हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो हर बार पीरियड आने से पहले आपके मन में होता है कि इस महीने आपने कंसीव किया होगा या नहीं, आपको प्रेगनेंसी रुकी होगी या नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड मिस होने से पहले आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुकी होगी या नहीं। प्रेगनेंसी रुकने से पहले आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जो साफ बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है और आप प्रेग्नेंट हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने कंसीव कर लिया होगा, आपको इस महीने प्रेगनेंसी रुक गई होगी तो आपको कुछ साइन एंड सिम्टम महसूस होते हैं। जैसे प्रेग्नेंट होते ही सबसे पहला लक्षण जो बहुत सी महिलाओं को महसूस होता है वो है पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है और आपकी कमर में भी हल्का सा दर्द महसूस होता है। लेकिन पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको पीरियड आने का पेट दर्द हो रहा है या प्रेगनेंसी रुकने का। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है डिटेल में, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको पीरियड आने वाले होंगे तो आपको पेट के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द होगा, दर्द की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और साथ ही में अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के 1 से 2 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के बाद भी पीरियड नहीं आते हैं तो ये सिम्टम बताता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। क्योंकि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना ये इंडिकेट करता है कि आपके यूट्रस में एग का इम्प्लांटेशन हो गया है और कुछ महिलाओं को इस समय हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जो बिल्कुल हल्की सी होती है, भूरे या गुलाबी रंग की होती है। अगर आपको भी ऐसी ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद आपके पीरियड नहीं आए हैं तो ये सिम्टम 99% बताता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम हर महिला को महसूस हो, बहुत बार बिना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुए भी महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकती है। मुझसे बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि मैम, क्या प्रेग्नेंट होने के लिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है और उन्हें प्रेगनेंसी रुकने के बाकी सिम्टम्स नजर आते हैं जो बताते हैं कि आपने गर्भधारण कर लिया है। जैसे आपको अपना पेट फूला फूला सा लगेगा, पेट में सूजन सी लगेगी, पेट बड़ा बड़ा सा लगेगा, जैसे पेट में गैस बन जाती है वैसा आपको महसूस होगा। आपको खुद से महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ तो है। प्रेगनेंसी रुकने पर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने लगता है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में जब इंक्रीज हो जाता है तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां होने लगती है, पेट फूलने लगता है, पेट में सूजन महसूस होने लगती है, गैस बन जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो आपको इस महीने प्रेगनेंसी रुकने के कारण ये लक्षण महसूस हो रहे हैं। फोर्थ सिम्टम जो बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकते ही महसूस होता है वो है आपके प्राइवेट पार्ट का डिस्चार्ज, जिसे सर्विकल म्यूकस और वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं और आपको आपके प्राइवेट पार्ट से थिक और क्रीमी डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कोई बॉडी लोशन होता है, सेम वैसा ही डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट से होने लगता है और ये डिस्चार्ज आपको पहले से अधिक होने लगता है और कई बार आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने पर आपकी बॉडी में बहुत से हार्मोन में बदलाव आते हैं ताकि आपकी बॉडी बच्चे के लिए तैयार हो सके। अगला लक्षण है जो बताता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है वो है आपको बहुत अधिक प्यास लगने लगती है, आप बहुत पानी पीने लगती हैं और आपको भूख भी अधिक लगने लगती है। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपके अंदर भ्रूण बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा होता है और अर्ली प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी को बहुत अधिक खून की जरूरत होती है ताकि भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पानी की डिमांड करती है, जिसकी वजह से आपको भूख और प्यास लगती है। अब बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकते ही पेशाब ज्यादा आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अनजाने में पानी ज्यादा पी रही होती हैं, क्योंकि आपको प्यास ज्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पेशाब आने लगता है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी सिम्टम है उल्टी करने का मन होता है। प्रेगनेंसी होते ही कई बार आपको उल्टी हो जाती है और कई बार नहीं भी होती है, लेकिन ये सिम्टम थोड़ा लेट नजर आता है, मोस्टली पीरियड मिस होने के बाद ही आपको ये लक्षण महसूस होगा।
कुछ महिलाओं को ये लक्षण पहले भी महसूस हो जाता है अगर आपकी बॉडी में एसिजी अधिक बन रहा हो तो। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, ब्रेस्ट में सूजन और हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। ये सब चेंजेस आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। बहुत सी महिलाएं शिकायत करती हैं उन्हें प्रेगनेंसी रुकते ही बहुत अधिक थकावट होने लगती है और नींद भी पहले से ज्यादा आने लगती है। अगला लक्षण है, आपके मूड में बदलाव आने लगते हैं, आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको कभी गुस्सा आता है और आप कभी खुश हो जाते हैं, कभी आपको रोने का मन करता है, मूड में काफी बदलाव आते हैं। लेकिन ये सिम्टम भी आपको पीरियड मिस होने के बाद ही महसूस होता है। आपकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको हर चीज की स्मेल आने लगती है, आप बहुत दूर की चीज को भी बहुत आसानी से सूंघ लेते हैं। एक और लक्षण है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप लो फील कर सकते हैं प्रेगनेंसी होते ही। ऐसा इसलिए होता है, आपकी बॉडी में बहुत अधिक हार्मोन में चेंज होने लगते हैं, बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और आयरन भी आपकी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। अब बहुत सी महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मैम हमें लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, पैरों में और टांगों में दर्द हो रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है? तो हाँ, बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने के बाद टांगों में, पैरों में, कमर में दर्द महसूस होता है और प्रेगनेंसी रुकने पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और आपको पहले से ज्यादा गर्मी भी लगने लगती है और आपको कुछ अलग सा खाने का मन करता है, आपको बहुत अधिक फूड क्रेविंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी रुक गई है या नहीं।